और वहीं गौतम बुद्ध नगर की बेटियों ने भी इतिहास रच दिया। संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें ग्रेटर नोएडा के जलवायु विहार में रहने वाली इशिता किशोर ने पहला स्थान हासिल किया है। इशिता किशोर देशभर में नंबर वन रैंक पर रही हैं। मेरिट ऑर्डर में चौथे स्थान पर नोएडा शहर की स्मृति मिश्रा हैं। स्मृति मिश्रा ने आज घोषित यूपीएससी 2022 के परिणामों में चौथा नंबर हासिल किया है। असम के मयूर हजारिका ने पांचवीं रैंक हासिल की है। I think I'm on cloud 9 and I'm very happy and it's a great moment right now and just a lot of gratitude. Actually before I opened the PDF a lot of people started calling me so bas bahut khushi ho rahi thi, friends ne pehle hi call kar diya tha. I think hota hi hai, setback to hota hai, we do feel very tensed ki kya kami reh gayi aur pehle stage pe hi bahar ho gayi thi lambi journey ke. But I try to re-evaluate my strategy and try to see that where I need to work and what are my mistakes. And I still kept on preparing for mains even though I did not clear prelims. So biggest motivation was to serve, the opportunity to serve my country and to have this platform. Indian Administrative Services gives you an unparalleled opportunity. So yahi motivation tha, isse bada kya motivation ho sakta hai. नंबर वन रैंक किया है तो ये तो बहुत बुरी खुशी है हमारे फैमिली के लिए और हमारे सबके लिए, क्योंकि नंबर वन इज नंबर वन. हमारे पास की खुशी का तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ. इट्स अ वेरी बिग थिंग और आज तक जो भी हमने, ऐसा लगता है कि जो भी हमने विश किया हो भगवान से, जो अच्छे काम किए हैं उसका अगर कुछ मिला है तो. इनकी शेड्यूल फिक्स रखता था इसने, सुबह में उठकर ये न्यूज़ पेपर्स ये सब पढ़ती थी एंड देन दो चार घंटे की पढ़ाई के बाद ये ब्रेक लेती थी. आफ्टर लंच भी ये ब्रेक लेती थी. देन शी यूज़ टू स्टडी, कॉन्स्टेंट स्टडी करती थी और ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस 16 17 घंटे पढ़े, बट मैंने इसे देखा थ्रू आउट द ईयर शी यूज़ टू डू कॉन्स्टेंट स्टडी.